अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूअर्स, सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश टोमेटोज जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इसकी प्राइस भी काफ़ी लो हो चुकी है, तो आज जो है वो हम हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा टोमेटो केचप। इसको आप लोग फ्राइड आइटम्स के साथ भी जो है वो खा सकते हैं, और फ्राइज़ वगैरह के साथ, स्नैक्स वगैरह के साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं घर में ही बनाकर बहुत ही आसानी से। तो टोमेटो केचप बनाने के लिए हमें यहाँ जो चीज़ें चाहिए, टोमेटोज लिए हमने यहाँ पर 1 kg, पूरे 1 किलो टमाटर है हमारे पास। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है हाफ कप जो है, देख सकते हैं आप लोग कप का साइज़ देख सकते हैं, हाफ कप हमने यहाँ पर भरकर शुगर का ले लिया है। नमक लेंगे 1 teaspoon, लाल मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया 1 tablespoon भरकर, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं हमने बड़े वाले यहाँ पर, 4 से 5 आप लोग लौंग ले सकते हैं, 6 से 7 आप लोग यहाँ पर लहसुन के जवे ले सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर सिरका चाहिए होगा, वाइट विनेगर। तो चलिए हम हमारा टोमेटो केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे टोमेटोज को इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेंगे, और इसी के साथ जो है वो हमने यहाँ पर 1 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ली, और उसको भी हमने इसी तरीके से क्यूब्स में कट कर दिया है। तो चलिए हम हमारा टोमेटो केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन में जो है वो टोमेटोज ऐड कर लें। टोमेटोज के साथ ही हमने जो प्याज यहाँ पे कट करके रखी हुई थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो हमने दालचीनी के टुकड़े रखे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, लौंग डाल देंगे 3 से 4, और जो लहसुन के जवे हमने रखे हुए थे 6 से 7 वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम यहाँ जो है वो मिक्स कर लेंगे। कोई पानी वगैरह कोई चीज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद हम हमारा जो बर्तन है इसको कर देंगे कवर। इसको कवर करके हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल नहीं जाते, तब तक हम इसको पक। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वो हमारे टोमेटोज को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अब हम इसको। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, टोमेटोज जो है वो हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, और अनियंस जो हमने ऐड की थी वो भी इसमें गल चुकी हैं। अब हम जो है वो इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो व्यूवर देख सकते हैं आप लोग, हमने हमारे टोमेटोज को यहाँ जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लेंगे। तो व्यूवर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमने हमारे टमाटरों को अच्छी तरीके से छान लिया है, देख सकते हैं आप लोग हमें कितनी अच्छी सी जो है वो टोमेटो की प्यूरी मिल चुकी है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास टोमेटोज जो बचे हैं जो छन गए हैं, इसको आप लोगों को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग कुछ भी पकाते हुए टमाटरों की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, टोमेटो प्यूरी हमें यहाँ पर मिल चुकी है, अब हम इससे हमारा केचप बनाएंगे। तो व्यूअर्स, प्यूरी को जो है वो आप जो है वो फिर से फ्लेम ऑन करके जो है वो उसको रख दें चूल्हे पर। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी सी प्यूरी हमें मिली है। अब जो है वो हम इसमें हाफ कप सिरके की ऐड कर देंगे। हाफ कप सिरका हमने इसमें डाला है, मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 teaspoon भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड करेंगे हम इसमें 1 teaspoon। तो नमक ऐड की हमने इसमें 1 teaspoon, मिक्स कर लेंगे अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अब जो है वो हम इसमें 1 कप चीनी जो है वो डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे अब हम इसको भी अच्छी तरीके से। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वो हमने शुगर को भी अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लिया है। अब हम हमारे टोमेटो केचप को गाढ़ा होने तक के लिए पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वो हमारे टोमेटो केचप को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अब हम इसको। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा केचप लेकर जो है वो हमारी एक प्लेट में डालकर चेक करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग ये बह रहा है।
तो इसका मतलब है ये टोमेटो केचप जो है वो हमारा भी तैयार नहीं हुआ है, तो अभी जो है वो हमारे केचप को और पकने देंगे। तो व्यूवर्स यहाँ जो है वो हमारे केचप को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, सेम उसी मेथड से जो है वो हम एक प्लेट में इसको डाल के चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना थिक हो चुका है केचप हमारा, देख सकते हैं, और अब ये बह भी नहीं रहा है, बिल्कुल थिक हो गया है। तो इस पॉइंट पर जो केचप हमारा तैयार है अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग तैयार है हमारा मज़ेदार सा होममेड चिली गार्लिक केचप, बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार जो है ये घर में बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप लोग इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में रख कर और फ्रिज में सेव कर सकते हैं, बाहर नहीं रख सकते आप लोग इसको, इसको आप लोग फ्रिज में ही रख सकते हैं। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर घर में बनाकर ट्राई करिएगा, आप इसको बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। Thank you.